मंदिर हो या मस्जिद या किसी इमारत, मंदिर हो या मस्जिद क्या किसी इमारत, भाई मिट्टी तो लगी है उसमें मेरे भारत की, भाई मिट्टी तो लगी है मेरे भारत की। गुलबर्गा में ये जो कम्युनिटी है, मैं बहुत आदर गर्व करता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी का। मुसलमान एक बात कहना चाहता हूँ तहे दिल से, जिसके पास ईमान है वो मुसलमान है, और जिसके पास ईमान है वो मुसलमान है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ईद आता है जो आज के दौर पे जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रहा है उसके मैं खिलाफ हूँ। मेरा नाम बी रेणुकाचार्य हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। बावजूद एक बात कहना चाहता हूँ, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो रुकना चाहिए, भाईचारे का जिंदगी चलना चाहिए। ईद आता है, दो ईद, बड़े से बड़े ईद, हिंदू का त्यौहार आता है, हिंदू का ईद आता है दिवाली। थोड़ा आप इधर मेरा बात गौर करके सुनिए, दिवाली, दिवाली के ईद का नाम में लास्ट में अली का नाम आता है, दिवाली अली। ये हिंदू लोगों का त्यौहार है और मुसलमान लोगों का त्यौहार है रमजान। इसमें भी आप गौर करके देखिए, रमजान, रमजान में राम के नाम शुरू में आता है वो रमजान है, मुसलमान लोगों का त्यौहार है। दिवाली में अली का नाम आता है, रमजान में राम का नाम आता है। ये थोड़ा आप क्रूशियली सोच के देखिए, इसमें हम एक भाईचारे के रूप से जाना चाहिए। वो रमजान हो दिवाली हो सब मिल के मनाना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, मंदिर हो या मस्जिद या किसी इमारत, मंदिर हो या मस्जिद क्या किसी इमारत, भाई मिट्टी तो लगी है उसमें मेरे भारत की, भाई मिट्टी तो लगी है मेरे भारत की। और एक बात कहना चाहता हूँ, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, बिखरे बिखरे हैं सभी, बिखरे बिखरे हैं सभी, लहूता हिंदू का, लहूता हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, लहूता हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, बिखरे बिखरे हैं सभी, बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहे प्यार मोहब्बत से जिएंगे, एक ही घर के भाईचारे से जिएंगे। इससे ज़्यादा नहीं कहते हुए अगर कुछ गलत भी कहा तो माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी लोगों ने मेरे को जो इन्वाइट किया मैं खुशनसीब समझता हूँ, और आगे आने वाले दिनों में आपका सहकार चाहिए, हम आपके साथ रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।